नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला जेल में कैदियों के लिए भव्य आयोजन की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस भव्य आयोजन का मकसद बंदियों और कैदियों को मानसिक तनाव से दूर रखना है। इस आयोजन को जिले के बीजेपी सांसद की पहल पर जेल प्रशासन के सहयोग से कराया जा रहा है। क्या है जेल के कैदियों के लिए भव्य आयोजन, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के कौशाम्बी में कैदियों को अपराध की जगत ध्यान ईश्वर की ओर ले जाने के लिए 3 दिवसीय श्री कृष्ण राम कथा चर्चा का आयोजन किया गया है। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर और जिला जेल के सहयोग से 10 से 12 दिसंबर तक कथा का आयोजन होगा। सांसद का मानना है कि कथा रूपी रसपान से कैदियों का मानसिक तनाव दूर होगा और वह जेल से छूटने के बाद दोबारा अपराध जगत में कदम नहीं रखेंगे। बता दें कि कथा वाचन आचार्य प्रवर श्री देवव्रत जी महाराज कर रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर ने इस अनोखे पहल को लेकर जेल में काफी चर्चा हो रही है। इसके अलावा कौशाम्बी जनपद में भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी जेल में बंदियों एवं कैदियों ने काउ कोर्ट बनाए थे, जिसको लेकर साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना किया था। ये काउ कोर्ट गौशाला में संरक्षित गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। कौशाम्बी जिला जेल में 772 कैदी और बंदी कैद है, जिसमें 280 दंडित और 492 विचारधाराधीन कैदी हैं। विभिन्न प्रकार के अपराध करने के बाद सभी बंदी और कैदी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। इसके अलावा जाने अनजाने किए गए अपराध के लिए पछतावा भी हो रहा है। सजा भुगतने के बाद जब कैदी और बंदी जेल से बाहर निकल कर जाए तो वो दोबारा अपराध जगत की दुनिया में फिर से कदम न रखे। इसके लिए कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने एक अच्छी पहल की है। उन्होंने कौशाम्बी जिला जेल में 3 दिवसीय श्री कृष्ण राम कथा चर्चा का आयोजन करवाया है। कथा वाचक आचार्य प्रवर श्री देवव्रत जी महाराज 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बंदी एवं कैदियों को कथा सुना रहे हैं। वहीं कथा सुनने के लिए जेल अधीक्षक, जेलर, जेल कर्मचारियों के अलावा भारी संख्या में तमाम बंदी एवं कैदी शामिल हो रहे हैं। जेल में अभी तक होली, दीपावली, रक्षाबंधन समेत कई पर्व धूमधाम से मनाए जाते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब जिला जेल में कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, ये भव्य आयोजन का मकसद बंदियों और कैदियों को अपराध की जगह ध्यान ईश्वर की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी सांसद का मानना है कि कथा के अमृत रूपी रसपान से कैदियों का मानसिक तनाव दूर होगा और वो जेल से छूटने के बाद दोबारा अपराध जगत में कदम नहीं रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।